बच्चों, सिंपल पेंडुलम जो है ये ऑसिलेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सिंपल पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम, ये लास्ट वाले पार्ट है हमारे। हम इस सेशन में सिंपल पेंडुलम क्या चीज़ होता है वो समझेंगे, और उसके साथ में उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, और फिर सिंपल पेंडुलम के लॉस के ऊपर और सेकंड पेंडुलम के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, सिंपल पेंडुलम क्या चीज है पहले वो समझ लो थोड़ा सा। देखो, हमारे पास अगर मिसाल के तौर पर हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया, उस स्ट्रिंग को एक बॉब से बांध दिया। बॉब मतलब कि कोई एक स्फेयर है जो कि स्मॉल भी है और हेवी भी है। उससे हमने स्ट्रिंग को बांध दिया, उस रस्सी को बांध दिया। रस्सी कैसी है, इनएक्सटेंसिबल है, जो एक्सटेंसिबल नहीं है, और दूसरी चीज के बहुत ज्यादा हल्की है यानी लाइट है। ओके ना, उसे हमने एक रिजिड सपोर्ट से क्या कर दिया बच्चों, उसे हमने सस्पेंड कर दिया। ओके, अब क्या है ये बच्चों, को जिस तरह से हमने उसको डिस्प्लेसमेंट दिया तो वो कुछ इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तो ये इसका मोशन जो रहेगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन रहेगा, या फिर ऑसिलेटरी मोशन बोले आप उसको। बच्चों, सिंपल पेंडुलम क्या चीज है, समझ आई बात आपको? सिंपल पेंडुलम एक्चुअल में क्या है, एक छोटा सा स्फेयर जिसे हम बॉब बोलते हैं, वो एक स्ट्रिंग के जरिए से सस्पेंड किया हुआ है रिजिड सपोर्ट को। जैसे मैं इसको लिखकर बतलाता हूँ, सिंपल पेंडुलम क्या चीज है। सिंपल पेंडुलम इज अ स्मॉल बॉब। अब बॉब लिखे या फिर स्फीयर लिखे, अ स्मॉल बट हेवी बॉब, या फिर उसको स्फीयर लिख दे, स्फीयर सस्पेंडेड बाय लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। सिंपल पेंडुलम इज अ स्मॉल हेवी बॉब, बॉब यानी एक स्फीयर, सस्पेंडेड बाय लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। दैट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। ठीक है बच्चों, सिंपल पेंडुलम क्या चीज समझ में आ गया आपको? सिंपल पेंडुलम इज अ स्मॉल हेवी स्फीयर, दैट इज बॉब, सस्पेंडेड बाय अ लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं बच्चों, हम उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ओके ना, कैसे ड्राइव करते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला वो थोड़ा सा सीखे, ठीक है? मैं डायग्राम सिखाता हूँ आपको। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे आप क्या करेंगे, रिजिड सपोर्ट लेंगे। उस रिजिड सपोर्ट को यहाँ पर एक मास m, इसका अगर रेडियस मान लिया तो स्मॉल r, ओके ना, इस स्फीयर का छोटा सा रेडियस स्मॉल r मान लिया जाए, ठीक है? और इसको थोड़ा सा आपने अगर डिस्प्लेस किया, फॉर एग्जाम्पल एंगल थीटा जो है ये आपका एंगुलर एम्पलीट्यूड है, इसको आपने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया तो यहाँ से यहाँ आ गया डिस्प्लेस होकर इन्हें पॉप। फिर हो सकता है कि वो यहाँ से फिर इस जब रिलीज कर देंगे तो फिर वो इस तरह से SHM परफॉर्म करेगा, करेक्ट ना? टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा इस तरह से, करेक्ट है? टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, करेक्ट है बच्चों? इसका मास जो है तो mg लगेगा। ओके, किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द अर्थ, ओके ना? और इधर जो लगेगा उसका टेंशन लगेगा, ठीक है? जब भी हम क्या करते हैं बच्चों, कोई स्ट्रिंग को एक मास से कनेक्ट करते हैं और इस तरह से रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट करते हैं, तो उसका एक टेंशन जाता है। टेंशन किधर जाता है? फिक्स सपोर्ट की तरफ जाता है। फिक्स सपोर्ट, जैसे ही फिक्स सपोर्ट इधर है तो टेंशन इधर जा रहा है, जैसे फिक्स सपोर्ट इधर है तो इधर जा रहा है। स्ट्रिंग अलोंग द स्ट्रिंग होगा और फिक्स सपोर्ट की तरफ होगा वो, करेक्ट है बच्चों? इस तरह से। तो आपने जो कंसिडरेशंस किए, तो देखिए पहले तो आपने बॉब लिया, बॉब का मास फॉर एग्जाम्पल एम है वो लिख दीजिए, उसकी लेंथ है, ये स्ट्रिंग की एक लेंथ है उसको लिख दीजिए कि एल उसकी एक लेंथ है, करेक्ट? अब अच्छा जरा देखिए यहाँ पर ये एम जी जो है, तो एम जी के अगर मैं दो कंपोनेंट करूंगा, एक कंपोनेंट इस तरह से स्ट्रिंग की डायरेक्शन में या अलोंग द स्ट्रिंग कहेंगे अपन, अलोंग द स्ट्रिंग, और दूसरा कंपोनेंट जो है तो इसके परपेंडिकुलर यानी इस तरह से,
कंपोनेंट को रिजॉल्व कर रहा हूँ, एम जी को मैं दो हिस्सों में रिजॉल्व कर रहा हूँ। अगर ये एंगल थीटा है तो बच्चों ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, करेक्ट ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो कैसे, ये ऐसे ही है, ये एंगल बराबर होते हैं ना इस तरह से, ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, तो इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये एंगल और ये एंगल, करेक्ट है ना, इस तरह से। ओके बच्चों, तो ये जो थीटा एंगल है अगर मैं इसके दो हिस्से कर दूं, इसको रिजॉल्व कर दूं टू कंपोनेंट में, एक इधर और एक इधर, तो ये बन जाएगा एम जी कॉस थीटा, जबकि ये बनेगा एम जी साइन थीटा। क्यों बनेगा कॉस थीटा? क्योंकि यहाँ पर एंगल जुड़ा हुआ है, जिधर से एंगल जुड़ा होता है वहां पर कॉस थीटा होता है, जिधर से एंगल नहीं होता उधर साइन थीटा होता है। डायग्राम थोड़ी सी बड़ी कर अच्छे से बनाकर बतलाता हूँ मैं आपको। देखिए पहले क्या करेंगे आप, इस तरह से एक रिजिड सपोर्ट ले लेंगे, उसको क्या करेंगे आप बॉक्स से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये एंगल बहुत ही छोटा है बच्चों, मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ, डायग्राम अच्छे समझ में आया बिल्कुल, ओके ना, वरना एंगल बहुत ही छोटा है, 10 डिग्री से भी छोटा एंगल है वो। ओके बच्चों, ओके ठीक है। अब यहां पर ये स्मॉल बॉब जो हमने कनेक्ट किया है, मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया हूं, तो इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट को x मान लीजिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा मान लेते हैं, करेक्ट है बच्चों। इसका मास जो लगने वाला है mg इधर लगने वाला है वर्टिकली डाउनवर्ड, और अगर मैं इसके दो हिस्से कर दूं, एक तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में, यानी ये थीटा एंगल है, तो ये बन जाएगा mg cos थीटा, अगर थीटा है तो ये cos थीटा, करेक्ट है ना। और इसके परपेंडिकुलर जो दूसरा बनेगा कंपोनेंट mg का, वो mg क्या बनेगा, mg sin थीटा। एक तो mg cos थीटा, एक तो mg sin थीटा, कैसे रिजॉल्व करते हैं 90 डिग्री के अंदर, mg को रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट में। अच्छा इधर कौन जा रहा था, टेंशन स्ट्रिंग में का टेंशन इधर जा रहा था, करेक्ट है बच्चों, ओके इतना समझ में आ गया अच्छे से। चलो अब हम कुछ थ्योरेटिकल बातें देखते हैं, जैसे इसको पॉइंट नंबर 1 दे दो आप, पॉइंट नंबर 2 के अंदर क्या लिखेंगे, थ्योरीज के अंदर लिखेंगे कि हमने क्या क्या कंसिडर करना है सबसे पहले, ठीक है। लेट जो हम एम है, एम जो है तो एम बी द मास ऑफ बॉब, मास ऑफ बॉब, बॉब के मास को एम मान लेते हैं, ठीक है। और ये यहां से यहां तक जो स्ट्रिंग की लेंथ रहेंगी, ठीक है, स्ट्रिंग की जो लेंथ रहेंगी उसको अपन क्या मान लेंगे, कैपिटल एल मान लेंगे, ओके ना। एंड एल बी दी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ओके, ये हमारा कुछ कंसिडरेशन था, थर्ड पॉइंट। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस बॉब को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे विद एन एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा। अगर हम उसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे और रिलीज कर देंगे तो वो क्या करेगा, SHM परफॉर्म करेगा, करेक्ट है, वो लिख देते हैं। नाउ इफ वी डिस्प्लेस, अगर हम क्या करते हैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, इफ वी डिस्प्लेस बॉब with an angular amplitude theta, इस angular amplitude theta के जरिए से हम थोड़ा सा displacement करते हैं, and release it starts to perform SHM, वो क्या करेगा, SHM करना शुरू कर देगा, जैसे अपन ने थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस किया फिर रिलीज करे तो SHM परफॉर्म करना वो शुरू कर देगा। समझ में आ रही बात बच्चों, ओके। अब बच्चों यहां पर देखिए आप, यहां पर कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही है, कौन सी फोर्सेस है देख लीजिए, देर आर टू फोर्सेस एक्टिंग, ओके ना। कौन से फोर्स लग रही है बच्चों बताओ, नंबर एक तो लग रही है वेट और दूसरा है टेंशन। एक तो लग रही है टेंशन इन स्ट्रिंग, किधर लग रही है, अलोंग द स्ट्रिंग टुवर्ड द रिजिड सपोर्ट, टेंशन इन स्ट्रिंग लग रही है अलोंग द स्ट्रिंग टुवर्ड रिजिड सपोर्ट,
और दूसरी जो फोर्स लग रही है, यहां पर ए लिखा हूं और बी यहां लिख रहा हूं बच्चों, ठीक, थोड़ा देख लूँ कि नीचे नजर आ रहा है क्या, तो अच्छा नजर आ रहा है तो ये लिख देता हूँ। चलो, और दूसरी जो फोर्स लग रही है वो लग रही है एम जी वेट। क्या लग रही है? वेट एम जी, एम जी किधर लग रही है? वो वर्टिकली, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, करेक्ट है ना। चलिए पांचवी बात। अब बच्चों जो हमारा एम जी है, वेट एम जी, वो दो हिस्सों में रिजॉल्व हो रहा है, एक तो एम जी कॉस थीटा में, दूसरा एम जी साइन थीटा में। तो लिख देते वेट, वेट एम जी रिजॉल्व इंटू टू कंपोनेंट्स। अब टू कंपोनेंट्स कौन से बच्चों? तो उसमें नंबर एक है एम जी कॉस थीटा और नंबर बी है एम जी साइन थीटा। अब बेसिकली एम जी कॉस थीटा कर क्या रहा है? एम जी कॉस थीटा कर रहा है बैलेंसेस। देखो एम जी कॉस थीटा बैलेंस करने वाला है, ये कॉस थीटा है, इसको बैलेंस करने वाला है किसको? ने टेंशन को। एम जी कॉस थीटा बैलेंसेस डिटेंशन टी। ओके, मैं थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लूँ के यहाँ पर मिक्स ना हो जाए। एम जी साइन थीटा है तो वो क्या करेगा? वो करेगा बैलेंस करेगा, एम जी कॉस थीटा बैलेंस करेगा टेंशन टी को। और ये जो एम जी साइन थीटा है ये प्रोवाइड करेगा, देखो बच्चों इन्हें एम जी साइन थीटा किधर जा रहा है? इधर, ये एक फोर्स है, एम जी क्या एक फोर्स है, एम जी साइन थीटा उसका कंपोनेंट है, वो किधर जा रहा है? टुवर्ड द मीन पोजीशन। और टुवर्ड द मीन पोजीशन कौन जाता है? टुवर्ड द मीन पोजीशन तो आपको पता है रीस्टोरिंग फोर्स जाती है, रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो यहां पर मीन पोजीशन की तरफ जो जा रहा है वो कौन सा फोर्स है बताओ? वो है रिस्टोरिंग फोर्स। तो एम जी साइन थीटा जा रहा है तो एम जी साइन थीटा इधर जा रहा है, देखो आप देख सकते हैं इधर जा रहा है मेन पोजीशन तरफ, ये मेन पोजीशन है, करेक्ट है। तो हम इसको बोल सकते हैं प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स कौन सी फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। समझ आ रही बात? इस तरह से अब देखो ये जो है तो इधर जा रहा है, करेक्ट है, और डिस्प्लेसमेंट देखो फोर्स इधर जा रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे कैसे अपोजिट है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, मैं यहां लिख सकता हूं कि रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो तो सही है कि एम जी साइन थीटा है, सही है, बट निगेटिव लगा दूंगा मैं यहां पर। क्यों निगेटिव लगाऊंगा? क्योंकि एंगल जो थीटा है वो इधर जा रहा है, राइट है, एंगल थीटा इधर जा रहा है और फोर्स इधर लग रही है, करेक्ट है, फोर्स इधर लग रही है, एंगल थीटा उधर जा रहा है। जैसे बच्चों यहां पर देखो मैंने जैसे बताया आपको कि थीटा बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, आपको पता है कि अगर थीटा बहुत छोटा रहा तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है? नियरली थीटा की हो जाती है, बराबर किसकी हो जाती है? थीटा की हो जाती है, साइन थीटा की वैल्यू बराबर किसकी हो जाती है? थीटा की हो जाती है। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं? एफ आर यानी रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, क्या लिखेंगे अपन? थीटा, साइन थीटा लिखेंगे थीटा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? थीटा, क्योंकि यहां पर ये थीटा जो तो बहुत छोटा है और लेंथ बहुत ज्यादा है, थीटा बहुत छोटा है और ये थीटा कितना है तो ये समझ लो कि लगभग 10 डिग्री के आसपास है उसके खाने। ओके ना, चलो तो यहाँ पर क्या फॉर्म बन गया? एफ आर इज इक्वल टू एम जी थीटा माइनस एम जी थीटा। अब इसका डेरिवेशन मैं कंटिन्यू करा रहा हूँ बच्चों, मुझे क्या निकालना है इसमें? इसमें निकालना है मुझे टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ओके, मैं थोड़ा सा इसको थ्योरी इसको बैठ देता हूँ, यहाँ पर लिखी हुई थ्योरी इसको। ओके, यहाँ निकाल देते हैं, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा पीछे लेकर इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं इसकी बात का पार्ट। हम लोग, हमको क्या फॉर्मूला मिला? हमको एफ आर मिला है माइनस एम जी थीटा। ओके बच्चों, थीटा क्या चीज है? यहाँ पर देखो अगर ये आर्क लेंथ एक्स है तो ये रेडियस क्या है? फिर यहाँ से यहाँ तक का इसको सर्कल सपोज कीजिए ना, इस तरह से आर्क लेंथ अगर एक्स है मेरे पास तो थीटा क्या होता है बच्चों? बट थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये आर्क लेंथ, अपन रेडियस क्या है यानी ये लेंथ। ओके ना, ये लेंथ कितनी है? एल, तो एक्स अपॉन में एल। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ एफ आर इज इक्वल टू माइनस एम जी और थीटा की जगह पर एक्स अपॉन में एल। समझ में आ रही बात? इस तरह से करेंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पर जो फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स,
रीस्टोरिंग फोर्स जो है बच्चों एफ आर, वो आपको पता है कि एम ए के बराबर होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स अपॉन में एल और एम एम कैंसिल। तो ए क्या है, एक्सेलरेशन है, ये क्या है माइनस जी एक्स अपॉन में एल। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड करने पर ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन एल अपॉन एक्स। हम दो साइड भी, इधर भी और इधर भी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड करते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर क्या बन जाता है ए अपॉन एक्स, क्या बनता है ए अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं एक्सलरेशन, एक्सलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। ओके ना, एक्सलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन में एल। बच्चों ये माइनस जी अपॉन माइनस जो है ना एक्चुअल में नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस जो है। तो अगर इसको मैग्नीट्यूड की शक्ल में लिखा जाए ना तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। किस तरह से लिखा जा सकता है इसको, जी अपॉन एल लिखा जा सकता है इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन उनको बतलाने की नीड नहीं है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इसको बोला जा सकता है और इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन में एल बचा था उसको मैग्नीट्यूड में लिखा तो क्या हो गया वो जी अपॉन में एल हो गया। बात समझ में आ रही अच्छे से है। अब देखिए आगे कि मुझे निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टू पाई अपॉन में अंडर रूट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम होता है मेरे पास टाइम पीरियड। ओके ना, नहीं सॉरी, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ये होता है मेरे पास टाइम पीरियड। ओके, तो बच्चों ये 2 पाई का 2 पाई है और यहाँ पर अंडर रूट में आ गया है। एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, ये तो जी अपॉन एल है तो मैं जी अपॉन एल लिख देता हूँ इसको। ठीक है, और थोड़ा अगर आगे चलो तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई और इस रूट को ऊपर ला लो तो रूट में जो है नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे एल बाय जी हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या मिला बच्चों, बताओ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिला है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एल बाय जी। ओके ना, अब यहाँ पर कैपिटल एल था इसलिए मैं कैपिटल एल लेता हूँ और यही फॉर्मूला आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला रहेगा। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ओके, इसे स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके, चलिए मैं इसके बाद आपको इसके बाद का पॉइंट पढ़ाता हूं। इसको लिख कर लेना अच्छे से बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई दफा पूछा भी गया है। मेरा ख्याल है कि इसी टॉपिक को एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहा है। 2020 या 22 के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। बतलाता हूँ क्या क्वेश्चन थे वो, मैं सेकंड पॉइंट लेता हूँ उसके बाद बच्चों। उसके बाद है एक क्वेश्चन एग्जाम में एक नंबर के लिए ऐसा पूछा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी निकालो, फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन दो, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी दो। इसके बिल्कुल बाद का क्वेश्चन है ये। ओके ना, टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड था 2 पाई अंडर रूट में एल बाय जी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फिर लिख देते हैं 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट में एल बाय जी। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एज इट इज और इसको ऊपर ले जाएगा क्या होंगे ये जी अपॉन में एल। तो ये हो चुकी है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो एक्सप्रेशन फ्रीक्वेंसी का ऐसा बनेगा, समझ में आ रहा है क्या, फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन इस तरह से निकाला जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, लॉस फॉर सिंपल पेंडुलम, लॉस फॉर सिंपल पेंडुलम क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लॉस, लॉस फॉर सिंपल पेंडुलम। ओके, क्या कौन से लॉस है बच्चों, इसके चार लॉस याद रखो सिंपल पेंडुलम के। पहला लॉ है बच्चों, पहले तो फॉर्मूले के ऊपर से लॉ मैं आपको याद कराता हूं। ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट में एल बाय जी। अच्छा, पहला फॉर्मूला, अगर बच्चों फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 पाई और जी कांस्टेंट है, 2 पाई तो कांस्टेंट है, अगर ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, तो टी क्या बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। करेक्ट है, कब, इफ 2 पाई एंड जी कैसे हो, कांस्टेंट हो। ओके ना, दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 पाई एंड एल कांस्टेंट हो,
ठीक है, 2 पाई एंड एल कांस्टेंट हो, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास फॉर्मूला बताओ, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट जी, समझ रहे हो इस तरह से। और तीसरा फॉर्मूला जो हमारे पास है टाइम पीरियड का, बच्चों टाइम पीरियड जो है तो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं करता है, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड, इंडिपेंडेंट ऑन मास, यानी कि मास अगर हम बॉब जो हमने बॉब लगाया था वो 1 किलो का है फॉर एग्जांपल, अगर 5 किलो का 10 किलो का 15 किलोग्राम का भी अगर वो बॉब को लगाते हैं और उतने ही डिस्प्लेसमेंट करते हैं छोड़ते हैं तो वो टाइम पीरियड कम मास वाले के बराबर ही आएगा, मतलब कि टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करता, मास के चेंज होने से टाइम पीरियड बदलने वाला नहीं है, ओके ना इस तरह से। तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट, टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑन द मास, मींस टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, ओके ना। और चार चौथा हमारा जो लॉ है वो टाइम पीरियड जो है इंडिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड पर भी, टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट होता है, डज नॉट डिपेंड बोल सकते हैं, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन एम्पलीट्यूड, ठीक है, ऐसे चार लॉस है। कैसे लिखेंगे आप इसको, आप लॉ पहला लॉ जो है वो लेंथ लॉ बोलेंगे, क्या लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ क्या बोलेंगे, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, ओके, इफ इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, 2 पाई एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट, 2 पाई तो कांस्टेंट होता है, उसको बोलने की जरूरत है, ओके। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेल स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफ लेंथ इज कांस्टेंट, ओके। तीसरा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, ओके, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लॉ ऑफ मास, और ये होता है लॉ ऑफ आइसोक्रोनस, क्या होता है लॉ ऑफ आइसोक्रोनस, ओके ना। चलो तो ये हो गए लॉस, चार लॉ हो गए बच्चों, कौन सा भी लॉ एग्जाम पूछा जा सकता है इसको अच्छे से पढ़ लेना, ओके, इसको लिख भी लेना अपने भाषण में, लिख देना कि कौन सा लॉ क्या बोलता, ओके ना, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, सिर्फ क्या बोलता बतला देना, ठीक है, बहुत ही आसान था ये। इसके बाद का जो टॉपिक है बच्चों वो आपका है सेकंड पेंडुलम, यही क्वेश्चन पूछा गया था जो मैं आपको कह रहा था, सेकंड पेंडुलम कब पूछा गया क्वेश्चन, देखिए ये सेकंड पेंडुलम का मेरा ख्याल है 2022 के अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया सेकंड पेंडुलम, ठीक है। चलो मैं तो आपको सेकंड पेंडुलम क्या चीज़ें समझाता हूँ, ओके, थोड़ा सा एक मिनट मैं फैन शुरू कर दूँ, अब हम सीख रहे थे क्या है सेकंड पेंडुलम, ये बहुत ही आसान टॉपिक है सेकंड पेंडुलम, जो सिंपल पेंडुलम पढ़ा है वही है सेकंड पेंडुलम का खास चीज है, ओके ना, सेकंड पेंडुलम, ओके, तो अच्छे लिख दूं क्या सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम क्या चीज है बच्चों वो समझ लो, थोड़ा सा हमारे पास जो टी है वो कितना है बच्चों 2 पाई अंडर रूट में एल बाय जी, करेक्ट ना, ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है। अगर बच्चों किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड हो जाए, कितना हो जाए 2 सेकंड, तो उसे हम सेकंड पेंडुलम बुलाते हैं, क्या, इफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 2 सेकंड दैट पेंडुलम कॉल्ड एज सेकंड पेंडुलम, सेकंड सेकंड पेंडुलम क्या चीज है बच्चों समझ में आ रही है, इफ द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज 2 सेकंड दैट पेंडुलम इज कॉल्ड एज सेकंड पेंडुलम, ओके। तो बच्चों अब जैसे टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो 2 लगा देता हूं टाइम पीरियड की जगह पर, इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एल बाय जी, ठीक है ना, टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो टाइम पीरियड की जगह 2 लगा देंगे, 2 कैंसिल, यहां कुछ नहीं क्या बचेगा 1 बचेगा, पाई अंडर रूट में एल बाय जी। अब स्क्वायर ही कर लेंगे बच्चों, यहां स्क्वायर, यहां स्क्वायर, यहां स्क्वायर, तो क्या होगा बच्चों देखो 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर पर पाई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा हमारा एल अपॉन में जी, करेक्ट है, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन पूछता है कि लेंथ निकालो सेकंड पेंडुलम, तो लेंथ निकालते हैं, लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा जी अपॉन में पाई स्क्वायर, करेक्ट है, ये इसका फॉर्मूला रहेगा लेंथ का, लेंथ इज इक्वल टू जी अपॉन में पाई स्क्वायर,
थोड़ा सा यहाँ पर एक एमसीक्यू वगैरह बन सकता है बच्चों। याद रखो कि अगर अर्थ के ऊपर बात की जाए तो 9.81 ग्रेविटी रहेंगी और पाए का स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर होगा 9.81, मतलब नियरली नियरली इसका आंसर जो आने वाला है कितना आने वाला है, 0.99 आने वाला है, यानी लगभग बोला जाए तो इसको 1 मीटर की लेंथ होने वाली है। सेकंड पेंडुलम की लेंथ लगभग कितनी होने वाली है, 1 मीटर की, 0.99 मीटर यानी 1 मीटर। जी की वैल्यू 9.8 और 9.85 जो है तो पाई का स्क्वायर की वैल्यू, और इसको डिवाइड करने पर 0.99। सेकंड पेंडुलम की लेंथ जो है तो 1 मीटर के अंदर रह सकती है, उसके ऊपर नहीं रह सकती, ओके ना, वरना ऊपर का आंसर गलत होगा, 0.99 ये 1 मीटर स्क्वायर। समझ आ रही बात बच्चों, सेकंड पेंडुलम का पार्ट था। अब बच्चों मेरा ख्याल है यहाँ पर थ्योरेटिकल सारी डेरिवेशन हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों, पहले तो सिंपल पेंडुलम बोलते हैं कि इसको ये पढ़ लिया उसका डेरिवेशन, फिर उसके बाद बच्चों हमने फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है और उसके स्टेट लॉस ऑफ सिंपल पेंडुलम पढ़ लिए और सेकंड पेंडुलम पढ़ लिया। अब इसके बाद जो है न्यूमेरिकल का सेशन है, इंशाल्लाह न्यूमेरिकल के सेशन को हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, दूसरे लेक्चर में उसको सीखेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद हमारा एंगुलर एसएचएम है उसको भी हम कवर करेंगे। इस तरह से दो टॉपिक थे हमारे जो हमको ऑनलाइन में देने थे, एक तो हमने इसको कवर कर दिया और दूसरे लेक्चर को हम इंशाल्लाह बहुत जल्द शूट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।